professional clams are so cold because
अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुन रहे हो ना, मैं आपको क्या बोलूंगी, यू आर लर्निंग नाउ। मैंने आपके लिए कौन सा वर्ड यूज किया, यू, ओके, यानी कि आप, तुम, ओके। तो तुम अभी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग नाउ, ओके। सो मैं बोल रही हूँ तुम्हें फर्स्ट पर्सन का, और जो सुन रहा है, मैं जिसको भी बोल रही हूँ अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन, ओके। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस भी कौन कौन से आएंगे, तो दो, दी, यू, योर, ओके। सो राइट दिस सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ऑल्सो इन योर बुक। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, मीन्स कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हुए। लेकिन अभी हमारे दोनों में किस
पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट के बारे में हूँ? अभी हमारे देश में जो डिस्कशन है, जो टीचिंग है वो स्टार्ट है, तो वो इंग्लिश के बारे में, है ना, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर है वो थर्ड क्वेश्चन हुआ। अभी समझ लो कि मैं आपको बोलूंगी लुक एट दैट बर्ड, द बर्ड इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो मैंने अभी आपको बोला, मैंने बोला मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोगों ने सुना, आप लोगों को मैंने बोला, तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। लेकिन मैंने जो कुछ भी बोला किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोला, है ना, किसी और के बारे में बोला। जिसके भी बारे में मैं बात की, मैंने अभी आपको बोला कि बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो मैंने अभी बर्ड्स के बारे में बात की। तो बर्ड के बारे में जो बात की, स्पोकन ऑफ, किसके बारे में बात की, बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स है वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। समझ लो कि मैं और मैं, अब मेरे सामने कोई एक गर्ल है, वो सामने खड़ी है, ठीक है। तो मैं उस गर्ल को बोल रही हूँ कि योर फ्रेंड इज लर्निंग नाउ, है ना। तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने जो भी गर्ल खड़ी है वो सेकंड पर्सन, और मैंने उसकी फ्रेंड के बारे में बात की, तो उसकी फ्रेंड है वो क्या हुई, थर्ड पर्सन हुई ना। इसीलिए जो बोल रहा हो वो फर्स्ट पर्सन, जो सामने में जिसको भी बोल रही हूँ या फिर जो सुन रहा है वो होगा सेकंड पर्सन, और दोनों के बीच में जिसके भी बारे में बात हो रही हो वो होगा थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग, है ना। थिंग के बारे में भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में बात तो किसी के बारे में भी हो सकती है, पर्सन हो या थिंग, ओके। सो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कौन कौन से आएंगे, तो उसमें तो ही सी, अगर सेंटेंस के अंदर हम प्रोनाउंस है वो यूज कर रहे हैं, तो
के प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही यूज होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में गर्ल हो तो सी, बॉय हो तो ही, और उसके सिवा कुछ भी हो तो इट यूज होता है। और अगर सिंगुलर में है तो ही सी इट यूज होगा, और अगर प्लूरल में है कोई भी नाउन तो सभी के लिए ही यूज होगा थर्ड पर्सन में। तो सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट के लिए ये प्रोनाउंस ही यूज होंगे। और ऑब्जेक्ट के लिए फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की यूज। हम क्या यूज करेंगे तो Yeah.